सो जस्ट आज से आप लोग का फेस बनाना हुआ बहुत ही आसान एंड बहुत ही इजी, क्योंकि ऑडियंस भाई ना आप लोग को थंबनेल में दिखाया जो फोटो एडिटिंग, सेम उसी तरीके से आप लोग को सिखाने वाले आप लोग के बीच में कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। एंड आप लोग जो देख रहे हैं फेस को मैं रिवील करके आप लोग को एडिटिंग सिखा रहा हूँ भाई, एक घंटा लगता है सेटअप में, तो बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं। तो आप लोग बिना ऑटोमेटिक स्केच बुक के अंदर फोटो बनाने जाते होंगे, खासतौर पर सबसे ज्यादा मेन रहता है फेस को स्मूथ करना, जब भी बनाने जाते होंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक बहुत ज्यादा आता होगा। तो मैं आज आप लोग बताने वाला हूँ पिक्सार मोबाइल से एक न्यू अपडेट आ चुका है पिक्सार मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, उस एप्लीकेशन से वन क्लिक में आप लोग फेस को स्मूथ करके बहुत ही हाई क्वालिटी फुल एचडी बना लेंगे आप लोग अपने फेस को। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो अभी आप लोग सीख पाएंगे मेरे जैसा रियल फेस को बनाना। एंड चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जान हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज का वीडियो बहुत ही फ्रेश आप लोग के बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एक बिफोर फोटो ये है एंड आफ्टर फोटो है एंड बिफोर फोटो ये है। तो काफ़ी ज़्यादा हम तगड़ा हाई क्वालिटी फेस स्मूथ बनाए हैं एंड ऑटोडेस्क से नहीं बनाया मैं, ठीक है, इसको बनाया मैं पिक्सार मोबाइल एप्लीकेशन से, क्योंकि आप लोग के अंदर पिक्सार मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू अपडेट आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आप लोग बताऊंगा उसको आप लोग कैसे आप लोग इनेबल करेंगे, ठीक है जान। अगर आप लोग पिक्सार मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर बनाने जाते होंगे तो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, तो इस वीडियो में आप लोग को ऑफर में बताने वाला है, उसको भी मैं ठीक करके दिखाने वाला हूँ। सो जान सेम इसी तरीके से आप लोग को फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं और आप लोग का ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो जान सबसे पहले आप लोग ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेना होगा पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है जान। देन गाइस जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो यहाँ बहुत सारा टूल्स इंटरफेस आप लोग को देखने के लिए बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है जान, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखिएगा यहाँ बहुत सारा रिसेंट है एंड एफएक्स है एंड यहाँ पे ब्लर है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग एफएक्स वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड यहाँ से देखिए एचडीआर, ठीक है ना जान, एचडीआर पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा एंड सिंपली आप लोग एचडीआर पे फिर से क्लिक कर लीजिएगा एंड इसका सिचुएशन आप लोग क्या करना है 100+ कर देना होगा, ठीक है जान, एंड यहाँ से ब्लर को आप लोग 100+ कर देना है, ठीक है। एंड इस वाले ऑप्शन पे आकर के इसका ऑप्शन, ठीक है, ये वाला देखिए इसको आप लोग को 0 कर देना है एंड ये वाला ऑप्शन देखिए लास्ट में होगा, इसको भी आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ से 40+ कर लेना होगा एंड यहाँ देखिएगा मल्टीपली है एंड यहाँ पे कलर ब्राउन है एंड यहाँ पे डार्कन है एंड यहाँ पे लाइटन है एंड यहाँ पे स्किन है, ठीक है, एंड ओवरली है। तो सिंपली आप लोग सॉफ्ट लाइट, ठीक है, सॉफ्ट लाइट आप लोग को कर लेना होगा एंड यहाँ से आप लोग को डन कर लेना, सॉफ्ट लाइट करके आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। सोच जान जैसे हम डन करते हैं हम लोग का फोटो में क्वालिटी देख लीजिए भाई, एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए ना, बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। सोच जान इतना करना फिर से आप लोग आ जाना होगा, यहाँ पे देखिएगा टूल्स वाला आइकन होगा, टूल्स वाला आइकन पे आ जाएंगे और जेस्ट वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड सेचुरेशन पे क्लिक करके इसका अमाउंट आप लोग को 0 कर देना होगा 100-, ठीक है। इरेजर ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इरेजर ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है जान, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का पीछे का बैकग्राउंड ना ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इतना ही हम लोग करेंगे, इतना करना सिंपली ऐसे आप लोग को डन कर लेना होगा, डन करना। अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए, खुद आप लोग देखिएगा, ठीक है जान, बिफोर एंड आफ्टर। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग रियल एडिटिंग मेरे जैसा सीख जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो जान हम लोग गैलरी में ना फोटो को सेव कर चुके हैं एंड सेव करने में सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, इस फोटो को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सोच जान जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो सिंपली पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे एंड इसका स्ट्रक्चर हल्का सा हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से रखिएगा। तो 70 माइनस कर दे रहे हैं, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा एंड शॉर्पनिंग को आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोग भी यहां से देखिए 78+ कर लीजिएगा, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से क्वालिटी अप्लाई कीजिएगा। इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा, डन करना फिर से हम लोग पेंसिल आइकन पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे होगा एक ऑप्शन, ठीक है, इन्हेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड इन्हेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने बाद सिंपली थोड़ा सा ना लोडिंग लेगा, ठीक है जान। तो सिंपली इतना करना सिंपली स्किन स्मूथनिंग को आप लोग को 100+ कर देना होगा एंड यहाँ से आई क्लियरिटी को हल्का सा माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 0 कर देते हैं एंड देखिए फेस, ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर इसको आप लोग 100 करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर चमक आएगा, तो हम लोग चमक को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जान, मैं आप लोग को अच्छे से सिखाने वाला हूँ। सिंपली इसको आप लोग 0 कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा, डन करना। अब आप लोग को दिखाते हैं, देखिए बिफोर
एंड आफ्टर। इतना करने का सिंपली अब आप लोगों को क्या करना होगा, पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, एंड यहाँ पे देखिएगा कर्व्स वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, कर्व्स उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, एंड सर्कल होगा उस पर क्लिक करके, एंड यहाँ पे ब्लू ग्रीन कोई सा भी आप लोग एक टोन अप्लाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ब्लू टोन क्लिक कर लेता हूँ, एंड इसका आप लोग को ना यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है मैं फिंगर से अप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कॉर्नर में एडजस्ट करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर आप लोग आ जाएगा, व्यू एडिट्स पे आ जाएगा, एंड कर्व्स वाले ऑप्शन पे आ करके ब्रश वाले आइकन पे आप लोग आ जाएगा, एंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड को कलर कीजिएगा, ठीक है जान। जैसे मैं कलर कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को कलर करना होगा। तो चलिए जान थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ तो जान बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अप्लाई कर चुके हैं बैकग्राउंड को अपने, देखिए बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। पहले तो हम लोग का डार्क ब्लैक था एंड उसको हम लोग कलरफुल कर चुके हैं, एंड कपड़े के ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। इतना करना सिंपली अगर आप लोग के हेयर के ऊपर आ गया होगा तो उसको आने दीजिएगा, उसका एक क्वालिटी में बताऊँगा, ठीक है, उसको हम लोग मिक्स करेंगे। इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं, एंड अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो भाई कोई रियल में ना फुल एचडी हाई क्वालिटी बताता नहीं है, ठीक है। फेस स्मूथ तो हर कोई करता है मेरी जान, आप लोग भी करते हैं, लेकिन रियल तरीके से फेस को आप लोग बना नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, तभी आप लोग समझ पाएंगे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, एंड सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, ऑटो वाले ऑप्शन पे आकर के ऑटो वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग का एडजस्ट हो जाएगा फोटो, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ से प्लस को हल्का सा कम कर लेना होगा, एंड व्हाइट्स को हल्का सा बढ़ा लेना होगा, एंड शेडो को आप लोग को 100 प्लस कर देना है, ठीक है जान। इतना करना सिंपली हाईलाइट्स को हल्का सा माइनस, ठीक है, 9 माइनस कर लीजिएगा, एंड सिंपली स्क्रॉल करके आ जाएगा इस ऑप्शन पे, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, येलो टोन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग 100 माइनस कर देना होगा। सोच जाने इतना करना फिर से आप लोग ग्रीन ऑप्शन पे आ जाइएगा, एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग 100 माइनस ही रखना होगा, ठीक है। इतना करना सिंपली फिर से इस ऑप्शन पे आकर के इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है जान। तो यहाँ से हम मैक्सिमम 80 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ से लिमनस को आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जान। इतना करना फिर से आप लोग इस सोल्यूशन पे आ करके इसका भी लिमनस आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। सोच जान इतना करना फिर से आप लोग इसका ह्यू को हल्का सा माइनस कर लीजिएगा, तो 16 माइनस कर दे रहे हैं, एंड यहाँ से आप लोग खुद ही देख लीजिए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग आ जाइएगा एड फोटो पे। सोच जान एड फोटो पे आने के बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक बोके इफेक्ट है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसको आप लोग को डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो PNG एड करने में सिंपली ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, स्किन कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसको छोटा करके इरेजर ऑप्शन पर आ करके जो भी ज़्यादा बोके इफेक्ट आप लोग के बीच में होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ही रखूँगा मैक्सिमम, ठीक है जान। इतना करना सिंपली यहाँ से डन करके इसको बड़ा कर लीजिएगा, एंड डुप्लीकेट लेयर बना करके आप लोग कहीं पे भी आप लोग बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग आ जाइएगा टूल्स वाला आइकन पे, एंड इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ब्लर वाला है, ठीक है। ब्लर वाला ऑप्शन पे कुछ इस तरीके से आप लोग को नीचे यहाँ से आप लोग ना फिंगर पे डबल फिंगर पकड़ करके ऊपर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, फिंगर से ही जाएगा। देखिए नीचे करेंगे, डबल फिंगर अप्लाई करेंगे तभी होगा। तो इसको आप लोग ऊपर करके, एंड यहाँ से इसका अमाउंट है, ठीक है जान। तो अमाउंट को हम मैक्सिमम 20 रख रहे हैं, एंड यहाँ से आप लोग इरेजर ऑप्शन पे आ जाइएगा, इरेजर पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को जो भी बैकग्राउंड के ऊपर आया होगा उसको ना आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग को इरेज करना होगा। एंड रीस्टोर पे आ जाएंगे, एंड हार्डनेस को हल्का सा कम कर लेंगे, एंड साइज को हल्का सा कम कर लेंगे, फोटो को जूम कर लेंगे, एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को फेस को बनाना है। जैसे कि देख लीजिए मैं आप लोग को न्यू ट्रिक बता दिया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, एंड बहुत ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी में आप लोग को फोटो एडिटिंग सिखा दिया, कि मैं आप लोग को बता दूँ कि हाँ मैं फोटो एडिटिंग कैसे करता हूँ अपना फुल एचडी हाई क्वालिटी। एंड यहाँ पे ना ये वाला स्मूथ आप लोग अप्लाई करेंगे तो भाई 1% भी ना फेस को ब्लैक नहीं करेगा, जैसे कि आप लोग खुद लाइव आप लोग खुद देख रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए 1% हमारे फेस के ऊपर ब्लैक नहीं आ रहा है, एंड कितना औसम तरीके से एंड फाड़ तरीके से एंड बवाल तरीके से हम लोग का फेस बन रहा है। सो जान आशा करते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग डाटा से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर मान लीजिए गलती से भी ये वीडियो नहीं आप लोग को समझ में आता है
तो ऊपर दो वीडियो मिल जाएगा, वन क्लिक में आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो वन क्लिक में मेरे जैसा एडिटिंग करना सीख जाएंगे। देखिए जान कितना औसम तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ बन गया। जैसे देख लीजिए, मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आप लोग आर्टिस्ट भाई जो आप थंबनेल में दिखाए सेम उस तरीके से नहीं बनाए। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।